हाय फ्रेंड, तो आज हम बनाने वाले हैं डोरा केक। तो किस तरह से बनेगा सब हम वीडियो में बताएंगे। तो उसके डोरा केक के लिए पहले हम 3 बिस्कुट लिए हैं। ओरियन का बिस्कुट है, काला वाला जो बिस्कुट होता है, 10 मिलता है, इसका यूज करेंगे। एक अंडा का यूज करेंगे। बस इसी से हम डोरा केक बनाएंगे। बहुत अच्छा से बनेगा, सुपर से बनेगा और एकदम सिंपल तरीका, खाने में स्वादिष्ट लगेगा। जो भी हम वीडियो बनाते हैं, खा के हम ट्राई करते हैं, तभी हम आपको बताते हैं। तो हम लोग बना के खाए हैं, अच्छा लगा तो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो में पूरा जुड़े हुए रहिएगा, देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं, तो भी आपको समझ में आएगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और वीडियो बताने से एक बात, बहुत जन कमेंट करता है कि आपका चैनल को स्ट्राइक आया है, यानी ढेर कमेंट हम पढ़ लिए। तो हाँ, मेरे चैनल पर स्ट्राइक आया था, मगर हट गया। तो हटने के बाद तो वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। कॉमेंट क्यों करते हैं, स्ट्राइक आया तो स्ट्राइक मेरा हट गया और मेरे YouTube से आया, तो हम बना सकते हैं, हम YouTube खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसीलिए हम YouTube ओपन किए। आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए, हेट कमेंट को तो गोली मारते हैं। हेट कमेंट तो बहुत तरह तरह के आता है, उसको इतना हम ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, वीडियो में बने हुए रहिएगा, देखते रहिए किस तरह से हम बनाते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, खाने में सॉफ्ट लगेगा। तो चलिए हम वीडियो में बने हुए रहिए। ठीक है, बिस्किट है तो बिस्किट को ऐसे फाड़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बिस्किट को ऐसे हम फाड़ लिए, बिस्किट को ऐसे फाड़ लिए। तो बिस्किट हम इस साइड रख देते हैं, इसमें जो इसका अंदर का क्रीम है आपको निकाल लेना है। और देखिए निकाल रहे हैं, थोड़ा सा जम गया मेरा बिस्किट, तो टूट रहा है बिस्किट। हम क्रीम को निकाल लिए, याद रखिएगा बिस्किट को फ्रिज में मत रखिएगा। हम तो रख दिए थे, तो अच्छा से क्रीम नहीं निकला, तो निकल गया है। आप लोग फ्रिज में बिस्किट मत रखिएगा। तो क्रीम को हम पेस्ट बना लेते हैं पहले। तो पेस्ट के लिए आपको दूध हल्का चाहिए, हल्का गीला नहीं होवे। तो हम दूध को पेस्ट किए इसमें, इसे अच्छा से क्रीम को आपको बनाना है। जिस तरह से हम घोल रहे हैं उसी टाइप के आपको बनाना है। देखिए हम किस तरह से घोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। इसे हम थोड़ा सा फूलने देते हैं, होने देते हैं। उसके बाद ये बिस्किट है, तो बिस्किट को आप इसमें हम अंडा डालेंगे। अंडा डाल दिए, इसमें दूध डालेंगे, इसे हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद क्या डलाएगा क्या नहीं डलाएगा, वीडियो में बने हुए रहिए। और इसे हम 10 मिनट फूलने दिए हैं, फिर हम बताते हैं इसका पेस्ट बनाकर। तो वीडियो में बने हुए रहिए। पीस के हम रेडी हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और 10 मिनट इसे छोड़ देंगे। देखिए थोड़े से ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। तब थोड़े सा हम ऐड कर दिए, ऐड कर दिए और 10 मिनट इसे छोड़ देना है ताकि अच्छा से फूल जाए। इस तरह से आपको इसको घोल देना है ताकि अच्छा से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से आपको छोड़ देना है, ऐसे 10 मिनट तक हम छोड़ देते हैं। वीडियो में बने हुए रहिए। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, देखिए कितना गाढ़ा हो गया। ये पतला नहीं करना है, गाढ़ा करना है, तभी आपको बनेगा। तो देखिए हम 10 मिनट छोड़ दिए, देखिए किस तरह से बनेगा। और हम क्रीम पाउडर भी बना चुके हैं, तब देखिए हम किस तरह से बनेगा। तवा को धीमा कर आज बनाने दीजिए, हल्का गर्म हो गया। इसके आप ऐसे करके वीडियो में बने हुए रहिए, आपको हम बताते हैं। तवा गर्म हो चुका है, इसे आपको बीच में सिर्फ धरना है। देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं, बस इस तरह से धरना आपको है। इसे धीमा आंच पर छोड़ देना है, देखिए इसे होने दीजिए। अच्छा अच्छा छेद छेद हो जाए, धीमे आंच पर आपको सेकना है। तो कैसे बनता है कैसे देखते रहिए वीडियो में। बहुत एक बार घर में जरूर ट्राई करिएगा, सिंपल तरीका, सिंपल घर में आप खा सकते हैं केक। तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए। देखिए धीरे धीरे ऊपर ऊपर छेद छेद हो रहा है, आप लोग दिखता होगा, तो हम आपको जूम करके दिखा देते हैं इसको। देखिए
तो बने हुए दे सकते हैं, वीडियो में बने हुए रहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से हुआ, देखिए फूल भी गया है। इसे हमें अच्छा से पलटता, देखिए हम पलट कर दिखा देते हैं आपको। देखिए ना सटा ना कुछ, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पेस्ट को गढ़ा घोरना है, तभी आपको इस तरह से बनेगा। पेस्ट को गढ़ा बिस्कुट और दूध में गढ़ा घोरना है, पतला नहीं। देखिए किस तरह से बना, देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, आप लोग गौर से वीडियो से देख लीजिए। कोई नहीं, अच्छा एकदम गोल डिजाइन बना है। इस तरह से आपको सेक देना है। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं, तो वीडियो में बने हुए रहिए। इसे हम इस साइड कर देते हैं, फिर इसमें हम डालते हैं, देखिए। तो देखिए हम ले लिए एक कलछुल, इसे हम धीरे धीरे ही डालना बीच में, कहीं नहीं इधर उधर जाए। देखिए बीच में चला गया, अब इसे होने देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या कैसे आपको करना है। तो वीडियो में बने हुए रहिए। बनकर रेडी हो चुका, कितना सॉफ्ट लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट। तो घर में एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कैसा बना, तो कमेंट में प्लीज बताइएगा आप लोग कैसा बना। गाइस मम्मी का वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मम्मी बहुत अच्छा चीज बना रही है, हम लोग तो पहली बार खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लगा गाइस। तो देखिए इसका कितना स्पॉन्जी ये लग रहा है और कितना सॉफ्ट लग रहा है। हम लोग अभी खाए फर्स्ट पीस, इतना अच्छा लग रहा था कि कह नहीं सकते। हम लोग बिना क्रीम का खाए, क्रीम डालिएगा तो और अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बना है। तो प्लीज़ मम्मी को सपोर्ट करिएगा गाइस, मम्मी बहुत मेहनत करती है। तो चलिए मम्मी अब रेसिपी बताती है। तो देखिए गाइस, बेटी जो बोली मेरा तारीफ की, तो उसको तो डेली डेली मिल ही रहा है। तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो इसे हम निकाल देते हैं, इसे हम गैस को ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। अभी इतना बचा हुआ है, सब बच्चा को हम खिलाएंगे बना को। तो आपको हम दिखाने के लिए नेक्स्ट एक बता रहे हैं, इसके अंदर ये जो क्रीम पेस्ट किए थे, ये क्रीम को इस पर ऊपर लगा दीजिए। देखिए इस तरह से थोड़ा क्रीम मेरा पतला हो गया। याद रखें, बिस्कुट को फ्रिज में कभी मत रखिएगा। हम तो फ्रिज में रख दिए थे, इसलिए ज़्यादा क्रीम नहीं निकला। आप लोग प्लीज बिस्कुट को फ्रिज में नहीं रखिएगा। तो क्रीम को थोड़ा गढ़ा होना चाहिए, हमारा पतला क्रीम है क्योंकि इससे थोड़ा दूध ज़्यादा पड़ गया था, तो आप लोग गढ़ा ही रखिएगा। इसे देखिए ले लिए, इसे हम ऊपर से पेस्ट कर दिए। तो देखिए गाइस बन गया। अब इसे 10 मिनट तक, 5 मिनट तक हम छोड़ देते हैं, वीडियो में बने हुए रहिए। हो चुका है, देखिए इसे चीनी पाउडर है और ये कुछ सिरप है डाली है। अब इसे हम काट के दिखाएंगे ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए। तो देखिए हम किस तरह से काटते हैं। तो देखिए, देखिए कुछ भी नहीं निकला, अंदर से क्रीम भी नहीं निकला, कितना सॉफ्ट हो गया बनाने में और खाना भी स्वादिष्ट लगेगा। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, तब जय हिंद, वंदे मातरम।